आज मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना प्राइमार्क शॉपिंग हॉल। गाइस, मैंने प्राइमार्क से कुछ शॉपिंग की है जो कि बहुत ही अच्छी ऑफर पे मुझे चीज़ें मिली हैं। कुछ मैंने टॉप बाय की, कुछ स्कर्ट्स बाय की और कुछ बैग बाय की है। इस वक्त प्राइमार्क में बहुत ही अच्छी ऑफर है, हर चीज़ पे, हर चीज़ डिस्काउंट पे लगी हुई है। तो मैंने भी अपने लिए काफ़ी अच्छी प्राइस पे चीज़ें बाय की, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेट्स सी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट आउटफिट। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये ब्लू कलर में है और ये फ्रॉक टाइप है और इसका मटेरियल 100% कॉटन है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी। इसकी प्राइस ये एक्चुअली आई थिंक 22 यूरो का था और मुझे 7 यूरो में मिला। और इसको मैंने वेयर किया है एक मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी स्कार्फ और ब्लैक लेगिंग के साथ और ब्लैक शूज़ के साथ। तो पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। सो ये मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस पर लगा और ये मुझे आई लाइक दिस वन। दिस इज़ माई सेकेंड आउटफिट गाइस। इसका कलर है नेवी ब्लू कलर और ये भी 100% कॉटन है और इसका मटीरियल भी बहुत सॉफ्ट है। इसकी और इसकी बैक बिल्कुल सिंपल है और इसके बाजू जो स्लीव्स हैं वो थोड़े बैगी स्टाइल में बने हुए हैं और बाजू के आगे ये बहुत थोड़ी सी चौड़ी कफ लगी हुई है और दो बटन है सिर्फ। इसकी ये डिटेलिंग है और बाजू इसके बैगी स्टाइल में है। तो ये शर्ट ऊपर से काफ़ी लूज आपको महसूस होगी लेकिन पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। फ्रंट पे बहुत अच्छी डिटेलिंग है और इसको मैंने नेवी स्कार्फ के साथ वेयर किया। दिस इज़ माई थर्ड आउटफिट गाइस। इसका कलर चारकोल कलर या डार्क ग्रे कलर हम कह सकते हैं। तो इसका मटेरियल पॉलिएस्टर है, 100% पॉलिएस्टर है और ये सीधा टॉप है, सिंपल टॉप है और इसकी बैक बिल्कुल इसकी सिंपल है और इसकी स्लीव्स के फ्रंट पे ये रिबन सा लगा हुआ है। डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने ब्लैक लेगिंग के साथ और ये मल्टी कलर स्कार्फ के साथ वेयर किया और ब्लैक शूज़ के साथ इसको मैंने वेयर किया। सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज माई फोर्थ आउटफिट। इसका भी कलर थोड़ा सा डार्क ही है, यानी कि ये खाकी कलर इसको आप कह सकते हैं। तो ये भी सीधा टॉप है और बेल्ट, इसके एक बेल्ट सी बनी हुई है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। और इसका मटेरियल तो ना तो पॉलिएस्टर है और ना ही इसका कॉटन है, मिक्स मटेरियल है। तो फ्रंट पे पूरी पट्टी है और बाजू की डिटेलिंग यह है कि इसके ऊपर कफ लगे हुए हैं, सिंपल जो टॉप पे होते हैं। तो इसको भी मैंने खाकी कलर सेम कलर के स्कार्फ के साथ वेयर किया। एंड गाइस, दिस इज माय फिफ्थ आउटफिट। ये टोटली ब्लैक है और स्ट्रेट शर्ट है, सिर्फ इसके प्लेट बैक और फ्रंट एक जैसी है और इसका मटेरियल 100% पॉलिएस्टर है, यानी रेशमी है और इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं और ये बहुत ही लूज शर्ट है, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके बाजू लॉन्ग है और फ्रंट पे उसकी ये प्लास्टिक है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको भी मैंने ब्लैक स्कार्फ और ब्लैक लेगिंग और ब्लैक शूज के साथ वेयर किया। तो ये भी मुझे 7 यूरो से मिला। और ये गाइस मैंने स्कर्ट बाय की है जिसको
का कलर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, मिक्स ब्राउन, कुछ भी ब्राउन आप कह सकते हैं। और इसको मैंने आई थॉट कि इसको मैं मल्टी कलर की शर्ट के साथ वेयर करूँगी तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ये प्लेन कलर की है। सो मैंने इसको ब्लैक स्कार्फ के साथ और मल्टी कलर शर्ट के साथ वेयर किया। इसकी प्राइस आई थिंक 18 यूरो थी, बट ये भी मुझे 7 यूरो से मिली। मेरे तमाम जितने भी आउटफिट मैंने बाय किए मुझे 50% ऑफ से मिले। दिस इज़ माई सेकेंड स्कर्ट। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, ये लॉन्ग है, पहले वाली से थोड़ी डिफरेंट है, इससे थोड़ी सी लॉन्ग है और इसका कलर है मस्टर्ड कलर आई थिंक। तो इसको भी मैंने सेम शर्ट मल्टी कलर शर्ट के साथ और ब्लैक स्कार्फ के साथ वेयर किया है। तो इसका मटेरियल 100% पॉलिएस्टर यानी रेशमी है। तो ऊपर बेल्ट लगी हुई है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, आई लाइक दिस। और गाइस ये दो मैंने हैंड शोल्डर बैग बाई किए हैं, एक ब्लैक कलर में और एक स्किन कलर में। तो ये भी मुझे 50% से ऊपर पे मिले, यानी कि 12 यूरो के थे और मुझे ये जस्ट 5 यूरो में मिले। सो गाइस ये थी मेरी आज की शॉपिंग। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन थम्स अप, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।